हाय, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस नए टॉपिक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कंसर्न्ड है। तो क्या क्या हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो अदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से थोड़ा अलग होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये एक ह्यूमन क्रिएटिव प्रोसेस से बनता है। सॉफ्टवेयर को मशीन से नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। तो हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरह से एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इस वीडियो में हम लोग वो बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है एक्सपेंसिवनेस, कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है ये एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन क्रिएटिव प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं इसको। तो उनकी जो सैलरीज हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो सैलरीज हैं वो बाकी किसी भी तरह के इंजीनियरिंग सर्विसेज से ज़्यादा होती हैं। और दूसरा, क्योंकि एक प्रोडक्ट डेवलप होने में टाइम ज़्यादा लेता है, तो उनका जो सैलरी पर मंथ का जो कॉस्ट है वो सारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर ही आ जाता है। हार्डवेयर कॉस्ट है जो वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हार्डवेयर है जो कंप्यूटर का, वो एक मशीन जनरेटेड प्रोसेस है, माइक्रो प्रोसेसर्स है या और भी जो आप हार्डवेयर देखते हो। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है ये डे बाय डे एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। हार्डवेयर का तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि आपको एक बार उसका जो भी रिसर्च है या जो भी उसका जो फर्स्ट जो प्रोड्यूस होता है कोई भी कंपोनेंट हार्डवेयर का, उसके बाद मशीनरी ने ही उसको जनरेट करना है। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को हम कस्टमर की नीड्स के हिसाब से चेंज भी करते रहते हैं, और उसमें जो और भी जो एरर्स हैं वो भी रिमूव करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं अगर आप पायरेटेड यूज़ ना करें, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में हम लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं तो वो कुछ भी कॉस्ट नहीं करता। लेकिन अगर उसका रियल कॉस्ट देखा जाए, किसी भी प्रोडक्ट का, आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो या एमएस ऑफिस यूज़ करते हो, ये सभी प्रोडक्ट हैं, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं, अगर इसका हम परचेज वर्जन देखें तो बहुत ज़्यादा है। इवन आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, अगर उनका आप टोटल करो तो आप हैरान हो जाओगे कि जो लैपटॉप की अपनी कॉस्ट है वो 50,000 है, और जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि आप जो यूज़ करते हो उनका अगर आप टोटल करोगे तो आप देखोगे वो इन लैक्स होगा, लाखों में होगा। लेकिन पायरेटेड यूज़ करने के कारण क्या होता है कि आपको उसकी कॉस्ट का अंदाज़ा नहीं होता। तो इसलिए ये एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की ये प्रॉब्लम है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है लेट डिलीवरी, कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, हमने पहले भी बात की कि ह्यूमन क्रिएटिव प्रोसेस है, तो इसको हम शुरू में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि प्रोडक्ट, अगर हमारे कस्टमर ने हमें किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है तो हम कितने टाइम में बना सकते हैं। हाँ, कुछ टेक्निक्स हैं हम लोग यूज़ करते हैं जिससे एक नियर अबाउट डेट पता लगती है, उसके हिसाब से उसकी जो सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है हम लोग एस्टिमेट करके कस्टमर को बताते हैं। लेकिन बाद में किसी भी तरह के एरर आने के कारण, मान लो आपने कोई टीम बनाई, टीम लीडर किसी कारण से जॉब छोड़ गया या टीम के कुछ मेंबर्स जॉब छोड़ गए, क्योंकि जॉब्स में कंपटीशन का टाइम है तो ऐसा होता रहता है, तो क्या होगा कि नया टीम लीडर आने में या नए टीम मेंबर्स जो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं उनकी जगह नए टीम मेंबर्स आने में, तो क्या होगा, उनको भी ट्रेंड करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट की जो ऑन टाइम डिलीवरी है वो नहीं हो पाएगी। तो उससे क्या होगा, सैलरीज का जो प्रोडक्ट 4 महीने में बनना था तो वो 6 महीने में बनेगा। सपोज 4 मंथ्स में आपने जो सैलरी है, सपोज 1 लाख पर मंथ आप सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को मिला के 1 लाख दे रहे हो, वह सैलरी एक्चुअल में से बहुत ज़्यादा होती है, तो जो कॉस्ट आपको 4 लाख पड़ने वाली थी वो आपको 6 लाख पड़ेगी। तो ये कॉस्ट किसको पे करनी पड़ेगी, कस्टमर को। अगर कस्टमर नहीं पे करेगा, कंपनी पे करेगी तो कंपनी नुकसान में है, कस्टमर पे करेगा तो कस्टमर नुकसान में होगा। तो इस तरह से क्या होगा, कस्टमर के लिए इनसेटिस्फेक्शन होगी, तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर्स इस कारण से कैंसिल भी हो जाते हैं, क्योंकि वो ओवर बजट होने लग जाते हैं। तीसरी जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो है अनरिलायबिलिटी,
सॉफ्टवेयर, बाकी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होते हैं वो रिलायबल ही माने जाते हैं, रिलायबल ही होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में कई बार डिफरेंटली भी बिहेव करते हैं, तो इनमें रिलायबिलिटी की भी दिक्कत है। तो कई बार हार्डवेयर के कारण भी अनरिलायबल हो जाते हैं, कई बार कुछ और भी इश्यूज हो जाते हैं, मशीन का जो एनवायरनमेंट है जिसमें उसको आप प्रोडक्ट को रन करोगे कई बार वो भी पूरा कंपेटिबल नहीं होता, तो उसके कारण भी सॉफ्टवेयर स्लो परफॉर्म करते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये इनमें रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम है। फोर्थ है हमारा मेंटेनेबिलिटी, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स में फोर्थ है मेंटेनेबिलिटी। तो सॉफ्टवेयर में जो है एक्चुअल जो एफर्ट कह लो, एफर्ट बोलते हैं या एफर्ट कह सकते हो या कॉस्ट भी कह सकते हैं, तो टोटल कॉस्ट का आपका जो लगभग 60% जो कॉस्ट है वो मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है कि प्रोडक्ट आप डेवलप कर देते हो या कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर देता है उसके बाद उसको मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि कस्टमर यूज़ करेगा वो प्रॉब्लम्स रिपोर्ट करेगा या उसको कुछ चीज़ें हैं जो उसमें नहीं चल रही होंगी या वो कुछ और भी चाहता होगा, तो ये जो मेंटेनेंस है। बाकी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो प्रोडक्ट चलता रहता है, कभी कभार कोई इश्यू होता है उसके साथ में, आप रेगुलर सर्विस कराते हो चीज़ों की तो वो चलती रहती हैं, और एक टाइम पीरियड तक का उनका होता है कि इस टाइम पीरियड के बाद आपका वो उससे रिलेटेड कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें क्या है हमारा कि मेंटेनेबिलिटी रेगुलर मांगता रहता है, तो इसलिए ये हमारी चार तरह की सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स मानी गई हैं, एक्सपेंसिवनेस, लेट डिलीवरी, अनरिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।